हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने वाला हूँ कि दोस्तों आपको भी अगर दोस्तों ईमो एप्लीकेशन के अंदर कनेक्ट कॉल दिस यूज़र ब्लूटूथ हैज़ प्राइवेसी, यानी कि दोस्तों प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आप जब भी किसी को कॉल करते हो तो आपको दोस्तों जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ईमो एप्लीकेशन के अंदर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब जो दोस्तों ईमो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर अलाउ की परमिशन देनी होती है, तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल नंबर बाइंड कर लेता हूँ। अब इस तरीके से आने के बाद दोस्तों आपके इंटरफेस कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा जैसे ही आप ओपन करोगे तो। ठीक है, अब ओपन करोगे तो इस तरीके से इंटरफेस क्रिएट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, जो गाइस प्रोफाइल वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। फाइनली क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है, तो यहाँ पर अब आपको करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो दोस्तों सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा जो तीसरे नंबर का, इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों देन दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों सेटिंग एंड प्राइवेसी का कुछ इस तरीके से ऑप्शन शो हो जाता है आपको। ठीक है, सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, जो इस तरीके से इंटरफेस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी पोस्ट ऑनलाइन कुछ इस तरीके से सारे ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। प्राइवेसी चैट ब्लॉक स्क्रीन शॉर्ट फॉर कॉल, इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी आपको शो होंगे। ठीक है, तो कॉल वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर दोस्तों एवरीवन रखना है क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार आप लोगे तो नो वे भी, ठीक है, नो डॉट या फिर कस्टम कर लेते हो तो काफ़ी बार ये प्रॉब्लम आपको इस वजह से भी देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों ईमो एप्लीकेशन को इस तरीके से प्रेस करके रखना है और एप इन्फो पर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे फाइनली, तो यहाँ पर आपको जो दोस्तों स्टोरेज यूजिंग में जाना है, क्लियर ऑल डेटा प्रेस करके डिलीट कर देना है। ठीक है, अब डिलीट करके आओगे तो इसको यहाँ से जाएंगे और इन्फो वाला बटन में अब आपको एक बार अनइंस्टॉल करके दोस्तों इसको वापस से रीइंस्टॉल करोगे तो ये प्रॉब्लम आपको जो देखने को मिल रही थी वो दोस्तों आपकी सोल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप दोस्तों जो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओगे। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि दोस्तों जो भी नए वीडियो आए उनकी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।